नमस्कार साथियों, आपका हार्दिक स्वागत करता है चैनल स्टडी दर्शन। आज के वीडियो के अंदर अपन आपको बताने वाले हैं कि सेकेंडरी सेटअप और एलिमेंट्री सेटअप में जो वैकेंट पोस्ट होती है, टीचर्स की जो वैकेंट पोस्ट होती है, उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो सेकेंडरी सेटअप की तो लगभग सबको पता है, लेकिन एलिमेंट्री सेटअप का कैसे क्या होगा इसके बारे में थोड़ी बात आपको बताऊंगा। तो चलिए अपन बात करते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट शुरू करूँगा कि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस प्रकार की वीडियो पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो लाइक जरूर करें दोस्तों और शेयर सबको करें ताकि सब लोग जान सके। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप जैसे लॉगिन हो जाएंगे, आपको उस स्कूल लॉगिन ऑफिस लॉगिन होना है, यानी कि जो माध्यमिक सेटअप है उस पर आपको लॉगिन होना है। पीयू, जिसको अपन पीयू कह सकते हैं, उस पर आपको लॉगिन होना है। लॉगिन होने के बाद में आपको ये रिकॉर्ड टैब है, इसमें जाना है। रिकॉर्ड के मेन टैब, रिपोर्ट में जो मेन टैब है इसके अंदर आपको ये यहाँ दिखाई दे रहा होगा वैकेंट पोस्ट लिस्ट, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करोगे तो ये प्रोसेस होके और इस प्रकार से आपको दिखाई देगा। यहाँ आपको सबसे पहले दोस्तों ये तीन प्रकार की टाइप जो आपको दिखाई दे रही है, इसमें सेलेक्ट करना है आपको। सबसे पहले आप डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करें, जिस प्रकार से डिस्ट्रिक्ट आप जिस डिस्ट्रिक्ट का भी देखना चाहें राजस्थान का, उसको सेलेक्ट करें। और डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद में फिर आपको पोस्ट सेलेक्ट करनी है। पोस्ट, इसमें सारी पोस्टें दिखाई दे रही है जो भी इस पर आते हैं, पूरी यहाँ तक कि इसमें फोर्थ ग्रेड से लेके और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस, डिप्टी डायरेक्टर, डायरेक्टर वगैरह, सब पर्सनल असिस्टेंट, जितनी पोस्ट होती है वो सब की सब यहाँ पर आपको दिखाई देगी। इसमें मान लीजिए आप सपोज करो कि यहाँ पर पोस्ट देख सकते हो, जिस प्रकार से जिस पोस्ट के लिए अब आप जा रहे हो उस पोस्ट को देख सकते हो। जैसे टीचर्स लेवल 2 की देखते हैं एक बार अपन, तो टीचर्स लेवल 2। और यहाँ पर सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट की बात करें, जो भी सब्जेक्ट इसमें है सारे सब्जेक्ट इसमें से होंगे आपको। तो जिस सब्जेक्ट से संबंधित आपको देखना है वो आप यहाँ से देख सकते हो। इसमें देखो इंग्लिश, EVS, जनरल, गुजराती, हिंदी, मैथ्स, मैथ साइंस के अंदर दोनों आ गए, पंजाबी और साइंस मैथ आ गए। तो यहाँ सिंधी, सोशल स्टडी, स्पेशल एजुकेशन। तो अपन जैसे मान लो मैथ की देखना चाह रहे हैं तो मैथ की देखेंगे, तो शो बटन पर आपको क्लिक करना है। यहाँ शो बटन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे दोस्तों, तो आपको ये जो इस प्रकार से डाउनलोड हो जाएगी लिस्ट, और यहाँ पर लिस्ट यहाँ डाउनलोड होने के बाद इसको आप ओपन कर लें। और ओपन करने के बाद इसको देखेंगे तो ये आपको पोस्टें PDF बन के तैयार हो जाएगी। इसमें ये दो पोस्ट, यानी कि टोटल 6 पोस्टें यहाँ पर दिखाई दे रही है, जो जिस स्कूल में एक एक पोस्ट है, पूरे हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर। जो मैथ की बात करें अपन, तो मैथ की पोस्टें जो है ये है। तो इस प्रकार आप देख सकते हो दोस्तों। और पोस्ट की बात करें, जिस प्रकार से अपन मान लिया जाए हेडमास्टर इक्विवेलेंट पोस्ट को देख लेते हैं, तो हेडमास्टर और इक्विवेलेंट पोस्ट देखते हैं। तो यहाँ पर आप पे हेडमास्टर इक्विवेलेंट पोस्ट आ गई, और इसके बाद में आपको शो करना है, क्योंकि सब्जेक्ट हेडमास्टर का कोई सब्जेक्ट का नहीं होता। तो इस पर क्लिक करें, क्लिक करने के बाद ये ओपन हो जाएगा, PDF तैयार है। PDF तैयार होने के बाद ये ओपन आपका स्कूल यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो ये स्कूल इसके अंदर है जो जिसमें आपको सेकेंडरी स्कूल हैं, जिसके अंदर आपको ये पोस्टें खाली दिखाई दे रही है। तो आप देख सकते हो जिस प्रकार से संगरिया के अंदर 2 स्कूल हैं, और नोर के अंदर ये मतलब ये 6 स्कूल हैं, इसी प्रकार से बादरा के अंदर 3 स्कूल हैं। ये सब स्कूलें अलग अलग दिखाई दे रही है, तो आप देख सकते हो। तो इस प्रकार से आप आसानी से दोस्तों पोस्ट वेकेंट का जो है इसमें देख सकते हो। अब तो या फिर ये हो गया माध्यमिक सेटअप का। अब अगर आप एलिमेंट्री सेटअप की मैं बात कर रहा था आपको, तो एलिमेंट्री सेटअप का दोस्तों एक तो इसमें क्या है कि सबसे बड़ी बात तो यह कि सेकेंडरी सेटअप का जो आपका जो ऑप्शन था पहले, सेकेंडरी का था या एलिमेंट्री का, जो भी ऑप्शन था उस ऑप्शन के अंदर क्या था कि डायरेक्ट आप ऐसे RSS साइट पे जाके और कर सकते थे, लेकिन वो ऑप्शन अब बंद कर दिया। अब इसमें आप लॉगिन होने के बाद भी कर सकते हो। दूसरी बात में आप तो एलिमेंट्री की बात करते हैं, तो एलिमेंट्री के अंदर दोस्तों क्या है कि एलिमेंट्री के अंदर आप या तो जो आपको हेल्पलाइन नंबर दिए हुए, जो नंबर आपको पता है, जैसे लॉगिन करते हो सबसे पहले नीचे डायरेक्टरी दी होती है शाला दर्पण प्रभारियों की, जिन जिन को प्रभार दिया, तो उस लॉगिन से आप वहाँ जाके कॉल करके पूछ सकते हो। दूसरा, आप DOP से वैकेंट जितनी भी पोस्ट होती है वो DOP से आप पूछ सकते हो। तीसरा, आपको जब भी ट्रांसफ़र या ज्वाइनिंग होती है, यानी कि ट्रांसफ़र या ज्वाइनिंग होगी, तब इस पे शाला दर्पण पे लिंक दे दिया जाएगा, वैकेंट पोस्ट का आपको PDF हर ज़िले की भेज दी जाती है, तो वो आपको मिल जाएगी। तो ये इसका तरीका यही है, डायरेक्ट आप शाला दर्पण जो हेल्पलाइन नंबर है वहाँ से आप संपर्क कर सकते हो, और वहाँ पर आपको पता लग सकता है, डायरेक्ट आप देख नहीं सकते।
ये इसमें और थोड़ी सिक्योरिटी के लिए किया है। आज हो सकता है मे बी आज जो है 11 बजे इंटीग्रेटेड पोर्टल साला दर्पण का जो स्टार्ट होने वाला है तो उस पोर्टल पे हो सकता है उस पोर्टल से कनेक्टेड करके आपको उसमें कुछ ऑप्शंस और दे दें, तो वो जब भी पोर्टल चालू हो जाएगा उसके बाद में तुरंत आपको बताऊंगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से आप वैकेंट पोस्टें देखिए माध्यमिक सेटअप की और एलिमेंट्री का जैसे मैंने बताया वैसे आप कर सकते हो, आपको हेल्प मिलेगी। और उसके बाद में नेक्स्ट वीडियो के अंदर दोस्तों अपने इस पोर्टल से संबंधित बात करेंगे जो 11 बजे लॉन्च होगा, उसके बाद में अपन बात करेंगे इस पर क्या क्या है। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे लाइक जरूर करें, शेयर सबको करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों।